अस्सलाम वालेकुम जी। आज 14 अक्टूबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर तो जो प्राइज़ नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स में, 3 लोगों को उनके जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है पावर्टी एलिवेशन के ऊपर, उन पे दिया गया। एक इंडियन जोड़ा जो अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफेलो डुफलो और माइकल क्रेमर, तीसरे जो हैं 46 ईयर्स के यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर। तो ये दूसरी एक तरह से इंडियन हैं जिनको इकोनॉमिक्स में, इससे पहले अमर्त्या सेन उनको भी मिल चुका है 98 में, और इनका काम मोस्टली उसी एरिया में जो पावर्टी एलिवेशन है उस पे। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने जो बेकरी आइटम और फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल वगैरह सेल करना शुरू किए, एक तरह से वो अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये एक अच्छी कोशिश है कि उसको कमर्शलाइज भी किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ फंड जनरेट होंगे बल्कि जो नौजवान वहाँ ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं उनको जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको वो प्रैक्टिकल करके बिजनेस आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने में भी। उसके बाद ये दी न्यूज़ की खबर है, कराची यूनिवर्सिटी में बैचलर्स और मास्टर्स के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। ये डिफरेंट एरियाज़ या जो फील्ड्स हैं जिनमें एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं, 23 अक्टूबर तक ये एडमिशन ओपन रहेंगे, 3,000 फीस है इसकी। देन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 3 स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करने के हवाले से ये खबर उर्दू पॉइंट ने पब्लिश की है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हीं से जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो है क्लिप्स निकाल के वो वीडियोस इस तरह बना के शेयर किए गए, जिस पे 200 के करीब मुलाजमीन से जो है पूछगछ एफआईए कर रही है। उसके बाद दी नेशन ने ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जो इस्लामाबाद में है उसके हवाले से खबर पब्लिश की है कि उसको मीडिया यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, लाइकली टू बी कन्वर्टेड टू पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर टू पाकिस्तान मीडिया यूनिवर्सिटी, और इसमें चाइना का भी कोऑपरेशन या ताउन शामिल रहेगा। ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जो है डिफरेंट एग्जीबिशंस और इवेंट्स के लिए यूज होता रहा है प्रीवियसली। देन ये इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो यूएएफ में, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में हो रही है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड डिसेंट वर्क जर्मनी और एचईसी के तावन से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 29 अक्टूबर 2019 से। देन ये बांग्लादेश में जो एमबीबीएस एडमिशन के हवाले से एचईसी की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट है, इसकी जो है 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी प्रोवाइडेड है, उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है, और जो रिक्वायरमेंट है इस एडमिशन के हवाले से एचईसी ने वो सारी लिस्ट की हुई है। ये एक्सटेंशन जो एचईसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पोस्ट है, सितंबर 29 जो लास्ट डेट सितंबर 29 को जो एडवर्टाइज पब्लिश हुई थी उसकी डेट जो है वो 23 अक्टूबर तक एक्सटेंड की गई है, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।